नेशनल म्यूजियम भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में से भी एक है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और इस नेशनल म्यूजियम के अंदर आपको 20,000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जो मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसको आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भारतीय इतिहास के 5,000 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। तो इस तरीके का एंट्री पास है, देख सकते हैं। ये है नेशनल म्यूजियम का टिकट। 15 साल पहले जो सिक्के थे वो वाले हैं, तो ये वाले जो अभी सिक्के देख रहे हैं ये वाला तो अभी भी चलता है। और यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के सिक्के हैं ये। इसमें से अभी सारे सिक्के पुराने हैं, बट ये वाला जो सिक्का है ये आज भी चलता है। ये वाली मूर्ति को आप देख सकते हैं, इसके ऊपर की गर्दन ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है भाई कि खुदाई के समय जिसकी जो गर्दन ठीक टूट चुकी है। ये वाला जो आप भंडारण मर्तबान देख रहे हैं, ये लगभग 2700 से 200 ईसा पुराना है। ये चन्हुदरों में खुदाई के वक्त ये मिला था भाई, देख सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ अपने दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्या टाइमिंग है, क्या टिकट प्राइस है, कौन से लोकेशन पर पड़ता है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पकड़ता है, वगैरह वगैरह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस नेशनल म्यूजियम के बारे में, मतलब इसके इतिहास के बारे में आपको बता दूँ। नेशनल म्यूजियम भारत के राष्ट्रीय संग्रहालयों में से भी एक है और इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। और इस नेशनल म्यूजियम के अंदर आपको 20,000 से ज़्यादा अलग अलग तरीके की जो मूर्तियां हैं, जो कलाकृतियां हैं, उसको आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर भारतीय इतिहास के 5,000 साल के इतिहास को दर्शाया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ, पूरा नेशनल म्यूजियम। तो चलो आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अभी मैं नेशनल म्यूजियम के गेट नंबर 3 पर खड़ा हूँ, देख सकते हैं ये एंट्री गेट है। तो चलो अंदर सीधा यहाँ से एंट्री करते हैं, उसके बाद सीधा आपसे अंदर मिलते हैं। ये है टिकट काउंटर, यहाँ से मैं टिकट लेता हूँ, उसके बाद फिर अंदर मिलते हैं। इस तरीके का एंट्री पास है, देख सकते हैं। ये है नेशनल म्यूजियम का टिकट। नेशनल म्यूजियम के अंदर एंटर हो चुका हूँ और अंदर का भाई माहौल कुछ ऐसा है, देख सकते हैं। ये है, अंदर एंट्री करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट नज़र आएगा। संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए इधर गेट है, तो वहाँ से उस तरफ से हम एंट्री करेंगे। और फिलहाल अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आते हैं तो पार्किंग आपको इस तरफ मिल जाती है, यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर कला एवं सांस्कृतिक फिल्म शो होता है। तो आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं, मंगलवार से शुक्रवार के बीच में आपको 11:30 बजे होता है, फिर 2:30 बजे होता है, फिर 4 बजे के बीच में होता है। उसके बाद शनिवार, रविवार और अन्य अवकाश दिवसों पर जो होता है, यहाँ पर टाइम देख सकते हैं 11:30 बजे, उसके बाद 12:30 बजे, 2:30 बजे और 4 बजे तक के बीच में। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो इसके अंदर का जो कला एवं सांस्कृतिक जो फिल्म शो है उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ग्लास के अंदर विष्णुविद कंसोर्ट्स 13वीं शताब्दी का है ये। These paintings depict various rags in Indian music. Ragmalas were first identified as a specific painting genre in the second half of the 15th century. ये वाली जो आप मूर्ति देख रहे हैं, इसका मोहिनी नाम है। ये वंश पश्चिमी चालुक्य का, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, यहाँ देख सकते हैं 12वीं शताब्दी का ये। यह आकृति देवी मोहिनी की है, जो एकमात्र विष्णु की महिला स्वरूप है। इसे चालुक्य राजवंश के दौरान गडक कर्नाटक अटका वाइस करेंसी, ये देख सकते हैं 12वीं शताब्दी का। और ये जो टीवी आपको दिख रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा पतला है, ये देख सकते हैं कांच के बराबर का है, और इसके ऊपर ये स्क्रीन पर ये प्रोजेक्टर चल रहा है, तो भाई देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये वाली जो आप मूर्ति देख रहे हैं, ये विष्णु जी की है, 6th and 7th century CE की है। इस कमरे के अंदर आपको हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिलेगा, तो चलो चलते हैं अंदर। यह है पाषाण युग के बारे में, यहाँ पर कुछ पत्थर रखे हुए हैं और इसके बारे में आप ये पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं।
कांच के अंदर आपको मटकों के टुकड़े, ग्लास के टुकड़े वगैरह भी नज़र आएंगे और इसमें आप पढ़ सकते हैं साइट अंडर, ये एंशिएंट साइट का है। नॉन मिले वही देख सकते हैं आप। ये वाला जो आप भंडारण मर्त बांध देख रहे हैं, ये लगभग 2700 से 200 ईसा पुराना है। ये चन्हुदरों में खुदाई के वक्त ये मिला था भाई, देख सकते हैं। ऐसे ऐसे तीन मर्तबान रखे हुए हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो आप इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। लगभग 2700 से 200 ईसा पूर्व विकसित हड़प्पा काल का ये चन्हुदरों और ये है भंडारण मर्तबान। ये वाला कुछ देखने में कुछ टाइप का लग रहा है, शिवलिंग सा लग रहा है। अगर पढ़ते हैं भाई क्या है ये, धर्म एवं अनुष्ठान। लगभग 2700 से 200 ईसा पूर्व प्रस्तर एवं पकी मिट्टी मोहनजोदड़ो हड़प्पा धोलावीरा मणावली और कालीबंगन सभी विकसित हड़प्पा कालीन स्थल राष्ट्रीय संग्रहालय। इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसको आप स्कैन करेंगे तो आप इसके बारे में जान सकते हैं। वैसे तो देखने में ये शिवलिंग जैसा ही लग रहा है। म्यूजियम के टाइमिंग, लोकेशन और क्या टिकट प्राइस और आप यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टिकट प्राइस के बारे में। तो एडल्ट के लिए यहाँ पर जो है वो 20 रुपये टिकट प्राइस रखा गया है, अगर आप फॉरनर हैं तो आपके लिए 500 रुपये टिकट प्राइस है, और 12वीं तक के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल फ्री है, तो वो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में एंट्री कर सकते हैं। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन येलो लाइन, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, तो वहाँ से आप पैदल चल के भी इस नेशनल म्यूजियम के पास पहुँच सकते हैं। तो अब हम इसके बात कर लेते हैं टाइमिंग के बारे में। तो ये हफ्तों के 6 दिन खुला रहता है, मंडे को बंद रहता है और बाकी जो दिन है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक के बीच में ये खुला रहता है। तो इस बीच में आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हड़प्पा काल के खिलौने नज़र आएंगे। तो भाई इस पे क्या लिखा हुआ है हड़प्पा वालों की भाषा में कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो छोटे छोटे जो खिलौने हैं उनके ऊपर देख सकते कुछ भाषा लिखी हुई है। तो ये तो भाई अपने जो पुरातत्ववेत्ता हैं, जो अपने इतिहासकार हैं, वो भी इसको पढ़ने में अभी नाकाम रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ पाएंगे भाई। तो ये भाई खिलौने, ये कुछ टाइप का गेंडा जैसा लग रहा है। और भाई आप कमेंट करके बताओ कि भाई वो वाला जो जानवर है कौन सा है। और ये भाई कुछ मटके टाइप का लग रहा है। और ये है कुछ जो सीम वाला जो जानवर होता है ना, बैल वेल का कुछ रहता है वो लग रहा है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की कुछ मुद्राएं रखी हुई हैं। तो ये देख सकते हैं आप, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये खेलगढ़ी पक्की मिट्टी लगभग 2700 से 2000 ईसा पूर्व का है राष्ट्रीय संग्रहालय। और भाई कुछ इस पर ना चित्र वगैरह सा बना हुआ है। तो आप भाई ये कुछ हिरण, ये वाला जो आप देख रहे हैं इस पर हिरण का बना हुआ है। और एक था उस पर ये गेंडे का, इस पर बना हुआ आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि कांच के अंदर है। तो ये है भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो लिपि कह सकते हैं हम, उनकी मुद्राएं हैं। तो भाई संग्रहालय जो है नेशनल म्यूजियम में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कमरा है कुछ इस तरीके का है। चारों तरफ आपको जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो पत्थर मनके हैं वो सब दिखाई देंगे। इस वाले पत्थर को मैं वो टच करके देखता हूँ भाई, काफ़ी सॉलिड पत्थर है भाई अभी भी। मतलब 2700 ईसा पूर्व का है वैसे ये लिखा हुआ है। अभी तक भाई इसमें कुछ दरारे वरारे नहीं, तो कटे हुए का निशान है ये। ये वाले जगह तो ये देवी देवताओं का लग रहा भाई। ये है दंपति सातवाहन दूसरी शताब्दी का, ये महाराष्ट्र में उत्खनन के पश्चात मिला था ये। तो भाई ये वाली मूर्ति को आप देख सकते हैं, इसके ऊपर की गर्दन ही नहीं है। तो ये भी हो सकता है भाई कि खुदाई के समय जिसकी जो गर्दन थी टूट चुकी है। इस वाले हॉल के अंदर भी आपको जगह जगह आपको मूर्तियां, मृत भांड नजर आएंगे जो पुरातत्ववेताओं को खुदाई के वक्त मिले हैं। और इस कमरे के अंदर ही आपको जो स्टूडेंट्स हैं आपको इनकी प्रतिमाएं बनाते हुए आपको नज़र आएंगे।
इस वाले कंसर्ट हॉल के अंदर आपको चोल चेल पांड्या मौर्य साम्राज्य का जो पूरा इतिहास है वो आपको देखने को मिलेगा, और स्टूडेंट उनकी जो प्रतिमाएं हैं उनको कागज़ों पर उतारते हुए दी जाएंगी। यहाँ पर आपको आदिवासी समाज के कुछ नमूने दिखाई देंगे। महात्मा बुद्ध के पूरे इतिहास को इस कमरे में दर्शाया गया है कि महात्मा बुद्ध कौन से कपड़े पहना करते थे, क्या खाते थे वगैरह वगैरह, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस हॉल के अंदर आपको नज़र आएगी। ये मुगल काल का पेंटिंग है। इस वाले हॉल के अंदर आपको मुगल काल के चित्रकलाएं हैं वो नज़र आएंगी, और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ आप इसको देख सकते हैं, ये मुगल काल की चित्रकला है। पूरे हॉल के अंदर आपको फोटोग्राफ्स ही नज़र आएंगे मुगल काल के, तो आप यहाँ आकर इनको देख सकते हैं। ये वाली जो आप मंदिर देख रहे हैं इनको सिर्फ हाथी के दांत से ही बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं ये मंदिर का अगला भाग है जो खुदाई के वक्त मिला है। ये आपको दोनों की तरफ आपको भगवान के फोटोग्राफ नज़र आएंगे। इस वाले हॉल के अंदर आपको भारतीय लिपियों एवं सिक्कों से संबंधित पारदर्शिता, मतलब भारतीय जो लिपि थी, जो भाषा थी, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इस वाले आ चुके हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स एंड कोड। अंदर में आपको इस तरीके के कांच पर आपको पूरे भारत की जो लिपियां थी उनको दर्शाया गया है, अलग अलग ब्लैक कांच पर। तो चलते हैं इधर, यहाँ पर आपको द स्टोरी ऑफ इंडियन कॉइन्स, भारतीय जो सिक्का था उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो आप ये पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ ऐसा है, और चलते हैं आगे। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी आपको दीवारों के किनारे में सारे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के आपको जो मूर्तियाँ हैं वो आपको रखी हुई नज़र आएंगी। और ये देख सकते हैं अभी मैं आ गया हूँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, और यहाँ से देख सकते हैं ये बेसमेंट है। तो अभी मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। तो भाई अभी मैंने फर्स्ट फ्लोर ही घूमा है, उसके बाद मेरे पैरों में भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पहले मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई जब अंदर एंट्री करेंगे आप तो जो आप ये गेट दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिक है, जब इसके पास जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगा। तो चलो चलते हैं और देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता है। देख सकते हो भाई ये ऑन हो गया, और अब हम आ गए हैं बाहर। इस वाले हॉल के अंदर आपको भारतीय सिक्कों के बारे में जानने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भारतीय सिक्कों के बारे में आपको पूरा लिखा हुआ है, और इधर जो संदेश भाग सिक्के हैं, ये वाला तो जो सिक्का भाई आपको दिखाई देगा ये वाला, ये तो आज भी चलता है। और बाकी ये सब जो सिक्के देखिए गांधी जी के से बने हुए हैं, ये सुभाष चंद्र बोस 1958 वाले भी सिक्के आपको इसके अंदर नज़र आएंगे। ये वाले जो सिक्के हैं ना भाई, ये वाला ये तो आज भी मैं देखता हूँ मार्केट में चल रहा है, और ये वाला 1991 का, बट ये खोटे सिक्के होंगे, अब नहीं चलते हैं। ये आपको बंकिम चंद्र चटर्जी की फ़ोटो भी सिक्कों पे नज़र आएंगे, स्मृति में जारी सिक्के। इसके अंदर आपको ब्रिटिश भारत और स्वतंत्रता से पहले जो सिक्के थे वो वाले हैं। तो ये वाले जो अभी सिक्के देख रहे हैं ये वाला तो अभी भी चलता है, और यहाँ से देखना शुरू करते हैं ब्रिटिश साम्राज्य के सिक्के हैं ये। इसमें से अभी सारे सिक्के पुराने हैं, बट ये वाला जो सिक्का है ये आज भी चलता है वो वाला, और ये वाले जो आप देख रहे हैं ये वाला और ये तो आपको 1998 है, ये 2 रुपये का है, बाकी 1958 1 पैसा 2 पैसा बाकी सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देख सकते हैं 1 पैसा है ये, 2 पैसा ये, 3 पैसा, 5 पैसा ये, 10 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा ये, 25 पैसा, 50 पैसा ये, 1 रुपये, 2 रुपये, और ये धीरे धीरे इसका जो बढ़ते जा रहा सीक्वेंस में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से स्वतंत्र भारत में सिक्के हुए थे उसका इतिहास आपको इसमें दिखाई देगा।
ये वाला जो सिक्का चलता है और इसी से रिलेटेड आपको ये वाला बटी चलता नहीं है अभी। उसके बाद ये इनसे ज़्यादा पुराने हैं, जॉर्ज फोर्थ के समय, फिफ्थ के समय का ये जो सिक्के वहाँ देख सकते हैं, बीच से बिल्कुल खाली है। ये कैसे सिक्के हैं भाई? तो ये कुछ इस तरीके का है। उसके बाद विक्टोरिया एम्प्रेस के समय के जो सिक्के हैं, जैसा वह देख सकते हैं, इन समय के जो सिक्के थे काफ़ी बड़े थे। उसके बाद कुछ गोल्ड टाइप का लग रहा है। और उसके बाद देख सकते हैं क्लीन विक्टोरिया के समय के सिक्के हैं ये। उस समय के सिक्के के इधर लिखा हुआ है 1876 वन रुपये का सिक्का है ये वाला। उसके बाद इसके सिक्के पर देख सकते क्लीन विक्टोरिया का आपको फोटोग्राफ भी नज़र आएगा। ये देखते हैं जॉर्ज पंचम क्लीन विक्टोरिया जॉर्ज स्टम। ये है भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस। शांति तालाब, ये भाई कुछ शांत तालाब है। इसमें लिखा हुआ है कि तालाब के भीतर प्रवेश कर इन जल जीवों के साथ कुछ वक्त बिताएं। सो गाइस, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरीके से आप अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।